हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आओ हिंदी सीखें। हम लोग कर रहे हैं रैशनल नंबर क्लास 8 का, आर डी शर्मा की बुक से कर रहे हैं और एक्सरसाइज 1.7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थोड़े से लॉन्ग थे, मतलब उसके कई पार्ट्स थे, तो वो मैंने डिटेल वीडियो में डाले थे। और बाकी 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक सारे क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे थे, तो मैंने उसका शॉर्ट्स बनाकर डाल दिया है। आप देख सकते हो, शॉर्ट्स या रील्स जो भी कह लो उसमें डाल दिया है। अब आगे हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये थोड़ा सा डिटेल में है और इसके अंदर 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसलिए मैं इसका फिर से लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई इफ़ x इक्वल टू और y इक्वल टू, मतलब दोनों के वैल्यूज़ दे रखे हैं और आपको फाइंड आउट करना है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू है 2/3 और प्लस में y की वैल्यू 3/2, ठीक है। ब्रैकेट में डाल दीजिए एज इट इज़, और फिर यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 2/3 और माइनस 3/2। अब आप देख सकते हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम ले लीजिए, 6 हो जाएगा एलसीएम, यहाँ भी 6 हो जाएगा। अब क्या करना है, डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करना है, 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 2 हमारा कोसेंट आएगा, और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पे कोसेंट हमारा 3 आएगा, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट में डाल दिया डिवाइडेड बाई, फिर से यहाँ पे भी सेम चीज़ हो जाएगा, 2/2 और -3/3, ठीक है, और एलसीएम 6 है। अब क्या कर सकते हैं, अब ये हो जाएगा हमारा 4+9/6 और यहाँ डिवाइडेड बाई 4-9/6, ठीक है, समझ आ रहा है। अब आगे क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर दीजिए और जो माइनस वाला है उसको माइनस कर देंगे, तो ये हमारा हो गया 13/6। और चूंकि यहाँ डिवीजन है तो हम इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6/-5, ठीक है। 6 6 तो कैंसिल हो गया। अब 13/-5, 13 और -5 इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1/-1, आंसर आपका हो जाएगा -13/5, ये है आपका आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। यहाँ पे भी हमें वही काम करना है, बस x और y की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है ना। तो सीधा यहाँ पे लिखते हैं 2/5+1/2 डिवाइडेड बाई 2/5-1/2। अब इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 10, ठीक है। चलिए यहीं पे कर लेते हैं, 10 यहाँ पे एलसीएम ले लिया और यहाँ पे आपका हो जाएगा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे फिर से 10 एलसीएम हो जाएगा। बाकी काम अभी कर लेते हैं। यहाँ इसे डिवाइड किया तो 2 कोसेंट हो जाएगा, तो 2/2 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे कोसेंट 5 होगा और 1 केवल 5 लिख देते हैं। यहाँ 5 से फिर डिवाइड किया तो 2 टाइम्स में, तो 2/2 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5, क्लियर है। अब चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, 4+5/10 डिवाइडेड बाई 4-5/10, ठीक है। चलिए आगे क्या हो जाएगा, ये 9/10 और मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 10/-1, 10 10 कैंसिल हो गया, आंसर आपका हो जाएगा -9, ठीक है, -9 आपका आंसर हो गया। आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन का ये थर्ड पार्ट है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ करना है, बस एक्स और वाई की वैल्यू अलग है। तो 5/4 प्लस में लिख दीजिए 1/3, ठीक है, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में और डिवाइडेड बाई 5/4 -1/3, ठीक है। चलिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे कोसेंट हो जाएगा 3/5 और यहाँ प्लस माइनस माइनस लिख देते हैं, इसका कोसेंट हो जाएगा 4 और 4 वन जा 4, ठीक है।
चलिए डिवाइडेड बाय, इधर सेम एलसीएम हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे क्या हो गया, 3 5 जा 15, माइनस 4 अपॉन में 12 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 4 अपॉन में 12, क्लियर। आगे ये माइनस कर दीजिए, यहाँ पे माइनस हो गया और यहाँ प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 11 अपॉन में 12, रेसिप्रोकल कर लेंगे हम लोग, 12 अपॉन में ये हो जाएगा 19, ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या हो गया, 11 अपॉन 19, ये हो गया आपका आंसर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट यानी कि फोर्थ क्वेश्चन पे पहुंच गए हैं हम, नाइन्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है ये। एक्स की वैल्यू है 2 अपॉन 7, प्लस में लिखेंगे 4 अपॉन 3, वाई की वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 7, माइनस 4 अपॉन 3। यहाँ पे भी डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम यहाँ हो जाएगा आपका 21, ठीक है। यहाँ कोसेंट हो जाएगा 3 इंटू 2 लिख दीजिए और प्लस यहाँ कोसेंट हो जाएगा आपका 7, तो 7 इंटू न्यूमरेटर 4, ठीक है। यहाँ डिवाइड कर देंगे और सेम एलसीएम यहाँ भी हो जाएगा 21, और सेम चीज़ यहाँ हो जाएगा, 7 से डिवाइड किया तो 3 हो गया कोसेंट, 3 इंटू 2 माइनस 7 इंटू 4, क्लियर। तो आगे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और प्लस 7 4 जा 28 अपॉन में 21, और इधर डिवाइडेड बाई 3 2 2 जा 6 करना है यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे भी हो जाएगा 3 2 जा 6 और माइनस 7 4 जा 28 अपॉन में 21, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, ये आपका हो जाएगा 34 अपॉन में 21 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 21 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा आपका माइनस 22। अब ये तो कैंसिल हो गया और ये भी शायद एक बार 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 7 जा और यहाँ हो जाएगा 1 1 11, तो आंसर हमारा क्या निकल के आया, 17 अपॉन में माइनस 11, या आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 1 अपॉन माइनस 1 से, तो आंसर हो जाएगा आपका माइनस 17 अपॉन में 11, ठीक है। ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है, आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है नाइन्थ नंबर का, ये लास्ट और फिफ्थ पार्ट है, तो लिखते हैं एक्स की वैल्यू 1 अपॉन 4 और प्लस 3 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पे 1 अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 2, क्लियर। आगे चलते हैं, 7 2 जा 1 मिनट, ये क्या लिखा है हमने, 1 अपॉन 4 है ये, सॉरी, तो 4 और 2 का एलसीएम आई थिंक 4 होगा, निकाल कर देख लेते हैं, यहाँ पे 2 है और 4 है, देख लीजिए 2 से 1 टाइम्स में जाएगा और 2 से 2 टाइम्स में, तो 2 से फिर 1 1, 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आपका 4 हो जाएगा। अब यहाँ 1 होगा कोसेंट, 1 इंटू 1 1 ही रह जाएगा, प्लस इधर कोसेंट 2 होगा तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डिवाइडेड बाई कर दीजिए, फिर से हमारा एलसीएम हो गया 4 और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 3, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, 1 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन में 4 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 3 जा 6 अपॉन में 4, सेम चीज़ है, प्लस और माइनस है केवल। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 7 अपॉन में 4 और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 अपॉन में माइनस का 5, 4 4 कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 7 अपॉन माइनस 5, या इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 अपॉन -1, तो आंसर हो जाएगा -7 अपॉन में 5, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 में 5 पार्ट्स थे, 5 छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व कर दिए हैं,
कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं फिर से बताऊंगी। और इसके बाद फिर से आपके 10, 11 और 12, 13, 14 सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो मैं उसके शॉर्ट्स बनाकर डालूंगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।